राजस्थान पुलिस के सस्पेंड कांस्टेबल कपिल शर्मा को जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने वांछित गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वेस्ट जिला पुलिस ने आरोपी के सभी साथियों सहित चोरी की सात कारें और दवाई के बरामद कर लिए। सस्पेंड कांस्टेबल कपिल ने जेल में रहते हुए चोरों की यह गैंग बनाई थी और जेल से बाहर आने के बाद सही बदमाश चोरी करने लगे। अब तक ये बदमाश 24 से अधिक वारदात कर चुके हैं। आरोपी सस्पेंड कांस्टेबल कपिल शर्मा जयपुर के गांधीनगर का निवासी है। उसके पिता महेंद्र कुमार शर्मा राजस्थान पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात थे, लेकिन उनकी मौत होने पर कपिल शर्मा को साल 2015 में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। दो साल की ट्रेनिंग के बाद उसे जयपुर कमिश्नरेट में लगाया गया। साल 2018 में कपिल शर्मा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ था और इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कपिल शर्मा करीब 3.5 माह जेल में भी रहा था और 23 जुलाई 2019 को जयपुर कमिश्नरेट ने कपिल को निलंबित कर दिया और इसके बाद कपिल का मुख्यालय भिवाड़ी कर दिया। लेकिन इसी दौरान जेल में रहते हुए कपिल की मुलाकात राजेश मीणा से हुई, जिन्होंने बार आकार वाहन चोरी करना शुरू कर दिया।